जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सियासत की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जैसे जैसे करीब आती जा रही है, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का दावा दरकता दिख रहा है। दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को दरकिनार कर विपक्षी गठबंधन के संभावनाओं की बखिया उधेड़ दी थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यह फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। और अब विपक्षी महागठबंधन को समेटने में जुटी ममता बनर्जी की कोशिशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हर रोज आप हमको असम्मान करते हैं, हर रोज चौक लेकर खेल करते हैं। हम इसको सहेगा नहीं, हम इसको रिप्लाई देंगे। हम जनता का साथ मिलकर इसको इंची में हम इसको रिप्लाई देंगे। ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को कोलकाता में बड़ी रैली कर मोदी सरकार को बंगाल से दिल्ली तक विपक्षी एकता की ताकत दिखाने का मंसूबा बांधा था। विपक्ष के 20 बड़े नेता ममता के मंच से सियासी मसल दिखाने वाले थे, लेकिन ये मंसूबा परवान चढ़ने से पहले ही ढहता दिख रहा है। आवर अल्टीमेटिव एक्चुअल आवर मेन विजन इज दिस बीजेपी इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए डिक्टेटर, सो दिस रूल देयर मस्ट बी एन एंड टू दिस रूल दैट एवरीबॉडी इज एग्रीड फॉर दैट, वी वांट सम प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट। ममता बनर्जी ने इस रैली में आने के लिए यूपीए की मुखिया सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खुद जाकर न्योता दिया था, लेकिन खबर है कि राहुल और सोनिया ममता की रैली में नहीं शरीक हो रहे हैं। उनकी जगह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में शामिल होने की चर्चा है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ममता बनर्जी की रैली से दूरी बना ली। असल बात कहना नहीं चाहिए, वो ममता दीदी हैं, उन पर मुझे ममता हो रहा है। 2019 के सियासी लिटमस टेस्ट से ठीक पहले विपक्षी एकता में दिख रही ये दरार मोदी सरकार और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता की रैली से कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने क्यों दूरी बना ली? क्या विपक्षी गठजोड़ को पार्टियों का आपसी अहम कमजोर कर रहा है, या कांग्रेस और बीएसपी ममता के पुराने सियासी दांव पेच को याद कर विपक्षी गठबंधन के उनकी कोशिशों में भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? बंगाल कहते ही गर्व की अनुभूति करते हैं, ऐसे महान लोगों की धरती राजनीतिक स्वार्थ के लिए लहू लहान कर दिया गया। आपको 17 दिसंबर की याद दिला दें, जब कांग्रेस बीजेपी से उसके 3 बड़े किले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ छीनकर वह अपनी सरकार बना रही थी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस ने इस मौके को तब विपक्षी महागठबंधन की तामीर के तौर पर पेश करने की प्लानिंग की थी, लेकिन इस मौके से मायावती ने भी दूरी बनाई और ममता बनर्जी ने भी। दलित वोट बैंक की ताकत और सियासी मजबूरी के कारण कांग्रेस ने मायावती की अनदेखी के अपमान के उस घूंट को तो पी लिया, लेकिन ममता के साथ जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने में उसने जरा भी कोताही नहीं दिखाई। ये तो किस्सा हाल का है, लेकिन ममता बनर्जी की रैली से कांग्रेस और बीएसपी की दूरी की असल वजह प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत में छिपी है। भारत में ये कांग्रेस अलग चलेंगे, ममता अलग चलेंगे, टीएलएस अलग चलेंगे, सब नेशनल लीडर बोलने चाहता है। हम बोल रहा है ममता बंगाल छोड़ के कोई स्टेट से खड़ा हो और उस जमानत रोके, जमानत थके, तो हम लोग पार्टी के बोलेगा ममता को प्राइम मिनिस्टर बना दो। 6 महीने पहले की बात है जब ममता गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मोर्चा बनाने की जुगत में जुटी थी। तीसरे मोर्चे की इस पहल के पीछे उनकी नजरें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर टिकी थी। दलित वोट बैंक को एकजुट कर पीएम की कुर्सी पर काबिज होने का सपना मायावती भी एक अरसे से देख रही हैं।
ना तो वो 2009 में परवान चढ़ पाया ना ही 2014 में, लेकिन मिशन 2019 को लेकर उनके मन में उम्मीदें जवां हैं। इसीलिए ममता और माया के बीच एक म्यान में दो तलवारों वाले अघोषित हालात बने हुए हैं। विपक्षी गठजोड़ की जुगत के बहाने कांग्रेस भी अपने युवराज के सिर पर ताज के सपने देख रही थी, लेकिन माया ममता अखिलेश के सियासी त्रिकोण ने उसकी संभावना को असंभव सा बना दिया है। सही वक्त पर सियासी कलाबाजी खाने की ममता बनर्जी की काबिलियत अटल सरकार से लेकर यूपीए की सरकार में कांग्रेस देख चुकी है। ऐसे में मिशन 2019 के महायुद्ध में विपक्षी एकता का दावा तो दूर, असल में आपसी भरोसा भी बनता नहीं दिख रहा है। यानी मोदी सरकार को दिल्ली से दूर करने की विपक्ष की चाहत माकूल माहौल बनने के बाद भी दूर की कौड़ी साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।